हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट लाइफ चेंजिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत बढ़िया वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें बहुत सारे सेक्शन होंगे, शॉर्टकट्स होंगे लर्निंग के। मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होगा। आप आज स्टडी चालू कर देंगे, ना कि आप आज सब कुछ कर देंगे कि वीडियो में। मैं आपको ये लगा लो 10 से 15 मिनट के बीच की 3-4 वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको मैं हर एक चीज़ टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। आज का टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू स्टडी कॉरपोरेट एंड अलाइड लॉ फॉर CA फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कॉरपोरेट लॉ आती है दोस्तों 84 की और अलाइड लॉ आती है 36 की मार्क्स की। 120 मार्क्स का आपका पेपर आता है, 100 का आपको अटैम्प्ट करना होता है। अब देखो दोस्तों क्या होता है, दोस्तों 84 का इसके अंदर IBC ऐड हो गया, तो 10 नंबर का अब IBC आता है, ये 74 के अप्रोक्स आता है, ये 36 का ही आ रहा है BBA लाइट लो। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों ये वीडियो मोस्टली उन बच्चों के लिए है जो कि पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं। बच्चे तीन टाइप के होते हैं दोस्तों, एक तो ओनली जो कॉरपोरेट लॉ करके जाते हैं, CL का मतलब है कॉरपोरेट लॉ, जो कॉरपोरेट लॉ करके जाते हैं वो 84 का सोचते हैं कि 84 की तैयारी होगी मेरी और आई विल इजीली गेट 50 to 60 मार्क्स, क्योंकि मैं 84 का अटैम्प्ट कर दूंगा पेपर, तो 50 से 60 के बीच में मैं मार्क्स ले आऊँगा अपने एग्ज़ाम में। लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम वाले दिन आपको पता ही है क्या होता है, आप लोगों के साथ एग्ज़ाम दे के आए, दोस्त पूछते हैं भाई कैसा हुआ पेपर, यार 84 का मैं तो लो करके गया था कॉरपोरेट लो, और उसमें तो पेपर अच्छा अटैम्प्ट नहीं हुआ यार, कुछ ऑप्शन में छूट गया, कुछ गलत हो गया, और वही 50-60 नंबर का तो पेपर ही अटैम्प्ट हुआ यार, बड़ी मुश्किल से 40 आएंगे भाई, आएंगे तुम ठीक है, रिजल्ट फिर दिक्कत आती है। दूसरे टाइप के बच्चे दोस्तों, वो 80% कॉरपोरेट लॉ कर देते हैं और 61% ये कर लेते हैं, वही मतलब 85 की तैयारी उनकी होती है, जो वो 85 के कॉरपोरेट लॉ की 84 की ये करते हैं, इसमें कुछ कॉरपोरेट लॉ को लेस कर देते हैं और अलाइड लॉ ऐड कर देते हैं उसमें, बस सेम 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 सब कुछ सेम होता है फिर उनके साथ। आपको बोरिंग लग रही है दोस्तों, सच्चाई है ये जो हमारे साथ होता है। स्टार्टिंग में तो हम ये सोचते हैं हाँ लाइट भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं, लास्ट में कॉरपोरेट लो ठीक है भाई, थोड़ी बहुत लाइट लो हो जाती है ठीक है भाई। और कुछ बच्चे दोस्तों होते हैं वो कॉरपोरेट लो को करते हैं 101%, 84 तो 84 क्या आता है उनको, हर एक चैप्टर बिल्कुल टिप्स पे याद होता है, हर एक चैप्टर टिप्स पे, हर एक सेक्शन टिप्स पे कॉरपोरेट लो का, अलाइट लो वो सिलेक्टेड करते हैं, अलाइड लॉ 84 की पूरी तैयारी हो जाती है, जो कि आप सारी करके जाते हैं 84 की, सिर्फ ये कॉरपोरेट लॉ में कवर कर रहे हैं 84। इसने गलती क्या की, इधर हल्का 20% जोर कम लगाया और जो 20% नीचे मार्क्स कम आते हैं, और इधर भी कॉन्फिडेंस लूज होने के कारण बहुत सारा पेपर गलत हो जाता है दोस्तों। इसने इधर जोरदार लगा दिया, थोड़ी सी अलाइड पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया। अगर आप 100% कॉरपोरेट लॉ करके जा रहे हो तो इसका मतलब माइंडसेट आपका इधर बहुत बढ़िया है और आपका माइंड बहुत एक्टिव है, और आप अलाइड में भी उसी तरीके से याद करेंगे, जैसे क्योंकि आपने 100% इसको तरीके से किया, तो जो ये 70 करेंगे ये भी आप तरीके से करेंगे ऑटोमेटिक। तो आप 100% को तरीके से कीजिए कॉरपोरेट लॉ को, बिल्कुल एक नंबर निकलना चाहिए आपका कॉरपोरेट लॉ में, और अलाइड लॉ को 70% कीजिए, जो आपको ज़्यादा टफ लगे कि भाई एग्जाम डे वाली भी रिवीजन करनी है, 100% सिलेबस तो एग्जाम डे वाले रिवीजन नहीं होगा ना, तो इस वजह से दोस्तों मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो रैंक होल्डर के लिए नहीं है, सिर्फ मेरे जो दोस्त पहले पेपर दे चुके हैं ये वीडियो उनके लिए है। तो इस हमारी 70% करके जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तैयारी 110 नंबर की जाएगी और आपका पेपर अटैम्प्ट 90 से ऊपर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये देखेंगे अब हमें पढ़ना कैसे है और कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले बोलना चाहूँगा दोस्तों, मेरे जितने भी दोस्त हैं, इग्नोर समरी बुक को आप फर्स्ट टाइम में नहीं करेंगे,
फर्स्ट टाइम रिवीजन आप मोटे वाली बुक से करेंगे, जो मोटी पूरी स्टडी मैट की आती है, ना कि आप समरी से पढ़ेंगे। समरी को सिर्फ समरी की ही तरह यूज़ करना है आपको दोस्तों, मैं बताऊंगा कैसे यूज़ करना है उसको। मोटी वाली बुक से 4 से 6 घंटे आप पढ़ाई कर दीजिए डेली, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। 2 से 3 सब्जेक्ट आप डेली पढ़ेंगे, ना कि एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। 4 से 6 घंटे मोटे वाली बुक से पढ़िए, आप इजीली कवर हो जाएगा दोस्तों। मोटी दिखती दिखती है वो, उसमें कुछ भी नहीं है। जब आप करते जाओगे ना, करते जाओगे कंप्लीट हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ मेरी, मान लो अब की बार, ठीक है, अपने मन की मत सुनो, आपका मन की सुन लो, आपके मन भी क्या बोलता है, मन भी यही बोलता है ना मोटे वाली से करना है। जब अब की बार फेल हो गए ना समरी से करके, अब की बार मोटी करनी है, करनी है तो करनी है भाई, पास होना है तो, और टाइम भी है, क्या दिक्कत है। और हैंडमेड नोट्स बनाने हैं दोस्तों, फॉर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली, एंड टफ जो सेक्शन आपको लग रहे हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 152, 167, रोटेशनल वाला, रोटेशनल डायरेक्टर वाला ये, और 160 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर वाला ये, नोटिस वगैरह देने पड़ते हैं इसमें, 184 लोन टू डायरेक्टर, इंटरेस्टेड डायरेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट हैं जो, 185 स्पेसिफाइड पर्सन को लोन है, 186 इन्वेस्टमेंट का है। जैसे ये हैं, आपको ऐसे टिप्स पे याद होने चाहिए, जैसे सेक्शन में बोल रहा था ना, ऐसे फटाफट याद होने चाहिए। और आपको नोट्स कैसे बनाने हैं दोस्तों, देखो नोट्स ऐसे बनाने हैं, देखो दोस्तों जैसे 184 है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मतलब 2-3 अटैम्प्ट में हर बार आ जाता है, तो आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं। 184 में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा, आप अपने नोट्स बनाएंगे ना, इसमें आपको पूरा आधा तो सेक्शन वैसे ही माइंड में बैठ जाएगा कि आपने नोट्स बनाए थे ऐसे। देखो 185 सेक्शन मैंने ये बना रखा है नोट्स, देखो दोस्तों बहुत अच्छा नोट्स है इसमें, एग्जाम्पन मैंने लिख रखी है मेरे माइंड में, पहले पैसे से पहले सेट है कि भाई 5 एग्जाम्पन है तो 5 तो याद करनी पड़ेंगी ना, 5 अपने आप याद हो जाती है मेरे को, देख ये पेनल्टी होगी दोस्तों, और ये इसका स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन होगी। तो इस तरह से 3-4 क्राइटेरियम बांटिए सेक्शन को, अगर बुक से करेंगे फिर कन्फ्यूजन रहेगी, तो ऐसे बांट, ऐसे बांट दीजिए। जैसे 186 है, LIGS में लिख दिया मैंने, LIGS तो फिर ये 4 चीज़ें याद होगी, फिर क्या क्या चाहिए इसमें, 5, 6, 7 चीज़ चाहिए, तो 186 में 7 चीज़ चाहिए, तो इनको सातों को रट्टा मार लो, आपका मारना पड़ेगा दोस्तों। और ये नोट्स आपके लिए रिवीजन इतने इजी होते हैं कि एग्जाम वाले दिन आप डायरेक्टर मानोगे नहीं, एक एक डेढ़ 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 घंटे में आपके दोनों चैप्टर, एक एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो जो कि 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं दूसरे दूसरे की बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो। और आपके एंड मेट नोट्स है ना, आप तो फिर तो ऐसे चलेंगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एग्जाम वाले दिन तो आपको ऐसा होगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा सेक्शन, आपको ऑलरेडी सेक्शन याद है, आपको सिर्फ आंखों में से निकालने हैं, ठीक है दोस्तों। ये तरीका है नोट्स बनाने का, इस तरह आपसे नोट्स बनाने हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन के, ताकि आपका एग्जाम वाले दिन इंपॉर्टेंट सेक्शन ना छूट जाए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यूज टीचर समरी बुक फॉर मॉर्निंग 1 आवर रिवीजन डेली, जो समरी बुक है ना उसको इधर यूज कीजिए आप, अपने पूरा पूरा चैप्टर किया मोटे वाली बुक से, और रिविजनरी बुक समरी बुक है ना जो, उनको सुबह 1 घंटा पढ़ दीजिए बस, आप सुबह उठ के 1 घंटा पढ़ो, 4 से 6, 5 घंटे इधर पढ़ रहे हो, 1 घंटा इसका रिविजन का, 6 घंटे पढ़ाई करो बस, और 1 घंटे में रिविजन कर दो जो आपने पहले दिन आपने 5 घंटे में किया, ये इधर समरी बुक से 1 घंटे में कर दो रिविजन, आपका पक्का हो जाएगा। और हाँ, फिर इसमें यह पता लग जाएगा कि मोटे वाली बुक में इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट छूटना नहीं, और जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ऐसे पढ़ना है आप। और प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन आपको सारे A to Z करने हैं, बिल्कुल सारी रीडिंग करनी है, और सारे आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर का पता लगना चाहिए, और उनमें जो पैटर्न लिखा हुआ है, जो लैंग्वेज लिखी है, उसको ही बिल्कुल आपने ध्यान में रखना है, उसको याद करना है बार बार। लास्ट 5 अटैम्प्ट के क्वेश्चन अभी आज डाउनलोड कर लो दोस्तों, आज डाउनलोड करके इंस्टीट्यूट की साइट से भी मिल जाएंगे और भी साइट से मिल जाएंगे, काफ़ी 5 लास्ट अटैम्प्ट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके प्रिंट ले आओ विद सजेस्टेड आंसर। कभी भी मन किया, हाँ कभी दिमाग खो रहा है, सोने से पहले आधा घंटा पहले, एक क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट आधे घंटे में हो जाता, क्या सिर्फ आप 2.5 घंटे के लिए बोलते हो कि 5 मेरे से नहीं होंगे पिछले अटैम्प्ट के क्वेश्चन पेपर, अरे आधे घंटे में 1.25 घंटे में एक बार क्वेश्चन हो जाता, कोई लिख के थोड़ी देखना है आपको, सिर्फ आपको इसमें क्वेश्चन में नज़र मारनी है ना कि आपको क्वेश्चन पिक हो रहा है माइंड में, आंसर क्या है क्या नहीं, ठीक है दोस्तों। रिविजन मल्टीपल टाइम, जो ये आपका ये प्रोसीजर है, कम से कम 3 महीने पहले स्टार्ट कर दीजिए, हर एक महीने रिवीजन, एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप लो ना पढ़ो।
तो दोस्तों आपने 6 पॉइंट देख लिए हैं और टोटल इसमें सिर्फ 10 पॉइंट है। अगर आपने 10 पॉइंटों पर ध्यान दे लिया तो आपका लो में एग्जामिनेशन आने से कोई नहीं रोक सकता। यूज राइटिंग वन आंसर डेली विद लो लैंग्वेज, जो आपका पीएम में आंसर है, जो पीएम में जैसा आंसर है आप वैसा एक क्वेश्चन लिख के देखिए। चाहे आपको देख के लिखना पड़े, 2-3 दिन देख के लिखो, आपको आदत पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आप अच्छे से लिखे आओगे उसके बाद। और उसकी लो की लैंग्वेज यूज़ करनी है दोस्तों, लो में जो लिखा हुआ है ना उसको बिल्कुल अच्छे से जो पॉइंट आउट कर लो कि भाई ये पॉइंट मल्टीपल टाइप रिविजन करने हैं, जैसे मोटाटिस मुंडांडिस होते हैं और वैकेशन ऑफ डायरेक्टर होता है, वैकेशन ऑफ ऑडिटर होता है, हम लिख देते हैं डिस्चार्ज कर दिया उसको, डायरेक्टर को डिस्चार्ज नहीं होता उसमें, वैकेट होता है उसका। ये है, अगर कोई अप्रूवल है, अप्रूवल हो गया, या कोई रिकमेंडेशन है, हम बोल देते हैं परमिशन ले ली उसकी, ये ले ली, तो उसमें अप्रूवल ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद करनी है आपको लो की लैंग्वेज। और यूट्यूब का प्रॉपर यूज़ करो दोस्तों, समरी की वीडियो सारी यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, सेक्शन की वीडियो सारी पड़ी हुई है, उनको रट्टो ना, इनको देखो ना, इनका यूज़ करो ना। आप यूट्यूब पे जो ऐसे गाने वाने सुनते रहते हैं इनका यूज़ करो, सोते हुए खाते हुए इनको रिवीजन करते रहो आप दोस्तों। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, बिल्कुल ही जैसे बता रहा हूँ और वैसे ही करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर एग्जाम में दिक्कत आएगी। इग्नोर ऑल टेंशन इन यूर माइंड दोस्तों, पैसा तो छोड़ भूल ही जाओ, पैसे के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। अगर सीए बनोगे तो भी तो पैसा कमाओगे, अगर सीए से पैसा नहीं कमाना तो ठीक है फिर पहले पैसे कमा लो फिर सीए कर लेना। तो इस वजह से मनी को इग्नोर करो, पास आउट स्टूडेंट जो पास हो गए उनको इग्नोर करो, उनकी सक्सेस को, उनकी सक्सेस से कुछ सीखो कि अगर वो पास हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ। ठीक है, और इग्नोर करो व्हाट्सएप को, फेसबुक को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, जो भी है आपको सबको इग्नोर कर दो 3 महीने के लिए दोस्तों। 3 महीने अगर आपने छोड़ दिया सब कुछ, सीए भी आपका पीछे छोड़ देगी, आपका डिग्री हाथ में दे देगी, स्टूडेंट लाइफ आपका पीछे छोड़ देगी अगर आपने 3 महीने का जोर लगाया। तो दोस्तों ये 10 पॉइंट थे, इनको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक एडवाइज और, मेरे जो मेरे को ठीक लगती है, जो मैं करता हूँ, आपको एक हफ्ते में एक बार पार्क में जाके सुबह 1.5 घंटा 2 घंटे बैठ जाना है और उधर आपको ये सोचना है कि अगर मेरे को लाइफ में पैसा ना कमाना हो तो मैं क्या करना चाहिए मेरे को लाइफ में। दोस्तों अगर पैसे की टेंशन खत्म होगी तो अपने आप स्टेट आपका फोकस स्टडी पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक है ये बात, मेरा तो आ जाता है दोस्तों। आप ट्राई कर लेना, आप जाके बैठो तो एक दिन 2 घंटे बैठ कर देखो उधर पार्क में खुला आसमान, आप सोचो थोड़ी देर कि अगर मेरे को लाइफ में पैसा ना कमाना हो तो मेरे को क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और एक बात और बता कहना चाहूँगा दोस्तों, जैसे मई 2018 का पेपर एग्ज़ाम लेंथी भी था, टफ भी था। लेंथी क्वेश्चन पेपर भी और रिटर्न भी, दोनों लेंथी थे दोस्तों। अब बच्चा पढ़ेगा या लिखेगा, दोनों में उल्टे लग गए भाई साहब बच्चे के तो। और जो ये टफ वर्ड आ गया टेक्निकल, पूरा टेक्निकल खेला हुआ था मई 2018 में, कोई वो बोलने की बात है कि नहीं खेला, तो इसलिए आपको सेक्शन को पूरा डीपली में पढ़ना है। कोई भी सेक्शन है आपको पूरी डीप में नॉलेज होनी चाहिए उसकी, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है ना उसको तो बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लो। जैसे एग्जाम्पल 162 है, जर्नल मीटिंग में 2 डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते हैं दोस्तों, अनटिल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा पहले में कि हाँ इसका रिजोल्यूशन हम पास कर लेंगे, कि 2 डायरेक्टर एक रिजोल्यूशन से पास हो जाएंगे, उसके लिए पहले एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ गया, डायरेक्टर की मीटिंग में अपॉइंट कर लिए 2 डायरेक्टर, अब ये तो कर सकते हैं, अलाउड है ये तो, ये अलाउड नहीं है, लेकिन ये तो अलाउड है। अब क्वेश्चन पेपर में ये था, सारे बच्चे के आए कि अलाउड नहीं है, एक्सपर 162 सबका गलत हो गया दोस्तों। ये टेक्निकल थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको लेंथी भी और टफ भी, इसमें स्ट्रेटजी क्या बनानी है दोस्तों, फाइंड आउट शॉर्ट स्मॉल क्वेश्चंस, और जो आपको 100% आते हैं
क्योंकि दोस्तों पेपर तो पूरा आता होगा लेकिन जब लेंथ ही और टफ है, पेपर तो एग्जाम में 100 नंबर का तो अटैम्प्ट होना ही नहीं किसी भी हालात में। कोई ये बोले कि मैंने 100 का किया, उसको इग्नोर करो। मई 18 का तो मैं बोलता हूँ, कोई ये बोले 85 से ऊपर का मैं अटैम्प्ट करके आया हूँ, तो उसको भी इग्नोर कर दे दोस्तों। वो उसको ही पता है क्या लिख के आया। ठीक है दोस्तों, 100% का आपका पेपर होना ही नहीं है। जो आपको 100% तरीके से आता है उसको सेलेक्ट करके दोस्तों उसको अटेम्प्ट कर दो आप, कम से कम 70 मार्क्स का। उसके बाद जितना टाइम बचे दोस्तों जो आपको आता है वो अटेम्प्ट करके अपना ख़त्म करो। कोई भी पेपर की स्ट्रैटेजी अगर लेंथ भी आ जाए और टफ भी आ जाए, जो आपको 100% आता है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और सबसे पहले उसको अटेम्प्ट कर दीजिए। जो छोटा है उसको सेलेक्ट करिए, जो 100% आता है उसको सेलेक्ट करिए, जो आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए दोस्तों। आने वाली वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, बेल आइकन पर क्लिक कर देना। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।